तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम भीमताल में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो जैसा आप देख रहे हैं यह है भीमताल। चलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे। एक नए व्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जिसान अली। और इस टाइम जो मैं इंट्रो घर पे दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है भीमताल। तो आज जो मैं हूँ भीमताल का व्लॉग दिखाने वाला हूँ, भीमताल में कैसा क्राउड है, कैसी भीड़ भाड़ है, भीमताल की लेक कैसी है, क्योंकि भीमताल की लेक जो है वो नैनीताल से बड़ी है आकार में। तो इस टाइम मैं जा रहा हूँ, हालांकि मैं तैयार हो चुका हूँ तो मैं इस टाइम घर पर ही बैठा हूँ। तो मैंने सोचा इंट्रो यहीं से देते हैं भाई, अभी देख रहे हैं बाल बाल सब बिक रहे हैं तो बाल बाल बनाने हैं मेरे को, फिर थोड़ा सा और तैयार होना है, फिर यहाँ से हम निकलेंगे भीमताल। भीमताल को थोड़ा सा मैं रास्ता दिखाऊंगा और भीमताल का वेदर दिखाऊंगा, क्राउड दिखाऊंगा कैसा भीड़ भाड़ है, क्योंकि आज नैनीताल में भीड़ भाड़ है, भीमताल में भी भीड़ भाड़ हो रही होगी क्योंकि भीमताल यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से एक घंटे का रास्ता रहता है बाइक से मैं जा रहा हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ ही नहीं करते आज के लोग, मेरे व्लॉग में बने रहेगा, स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ कुछ जानकारी आप छोड़ देंगे। और हालांकि 2-3 दिन बाद नैनीताल में बारिश भी बताइए, हल्की बारिश, तो उससे हो सकता है कि बारिश जो वेदर ठंडा हो जाए फिर स्नोफॉल के चांस बन जाए, तो स्नोफॉल की भी अपडेट दूंगा कब स्नोफॉल होने वाली है नैनीताल में। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहेगा। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ भीमताल में, और भीमताल में जो ये लेक है नैनीताल की लेक से बड़ी है ये आकार में, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं तल्ली ताल का क्षेत्र, और ये हल्द्वानी रोड है। तो यहाँ पर काफ़ी होटल बने हुए हैं और काफ़ी आज तो मैंने देखी 3-4 गाड़ियों की बारात की गाड़ी देख दी दूल्हे की, तो काफ़ी शादियाँ चल रही इन दिनों। और ये देख सकते हो आप लेक, और लेक काफ़ी शांत है, इसमें कोई बोट से नहीं चल रही, सिर्फ एक बोट से चलती हुई दिख नज़र आ रही है ये। और ये हमारा टापू सामने देख रहे हैं आप, मतलब ये टापू में एक्वेरियम भी है और रेस्टोरेंट भी बना दिया गया है, और ये देख सकते हो आप यहाँ भी बतखें हैं। तो इस टाइम मैं हूँ हल्द्वानी रोड से दूसरी रोड पर जो हमारे आके यहाँ पर मिल जाती है सामने, अभी हम इधर की तरफ भी चलेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ, और यहाँ से मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। ये सामने आपको ब्राउन ब्राउन टाइप का कुछ दिख रहा होगा ना, तो ये हमारा घर बना हुआ है, ये गोदाम है, ये सामने ब्राउन टाइप का, यहाँ पे एरो देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमारा भीमताल में जो कहता हूँ मेरा घर है, तो यहाँ पे ये घर है सामने, और इसके ऊपर पहाड़ी देख सकते हैं आप ये। तो कुछ दिनों में सुनाई में आ रहा था यहाँ से जो नैनीताल में रोपवे है, तो यहाँ से भी रोपवे जाने वाली है हमारे घर के ऊपर से ही, ये सामने ही घर दिख रहा है हमारा, तो यहाँ पर जाके यहाँ से भी नौकुचे ताल काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये, तो यह है भीमताल का खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ से हमारा नैनीताल का जो रडार है ना वो भी दिखता है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ भीमताल, और भीमताल में हूँ तल्ली ताल, और ये कुछ डैम का रास्ता है क्योंकि यहाँ से पानी की निकासी भी होती है, पानी छोड़ा जाता है यहाँ से। थोड़ा सा मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए, तो यहाँ से पानी छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से देखिए देखिए भीमताल जो भीमताल लेक है उसका पानी का की निकासी भी है, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, और कुछ इस तरीके से ये नज़र आता है, ये देख सकते हो आप लोग। तो देखिए इस टाइम मैं हूँ भीमताल, और भीमताल में कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, और यहाँ का वेदर की बात करो तो वेदर काफ़ी प्यारा है यहाँ, ये देखिए, हालाँकि जो बादल हैं हमारे बर्फ़ के बादल यहाँ भी बनने लग गए हैं ये, तो ये कुछ टूरिस्ट आपको नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए पानी, तो कुछ इस तरीके से है भीमताल, और सामने हमारा टापू। जिसमें हमारे एक्वेरियम भी है, रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पे आप जाने का रास्ता है वो सिर्फ बोट्स के द्वारा ही आप यहाँ जा सकते हो। और देखिए काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको ये, तो नहीं यहाँ भी भीमताल में भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, और यहाँ से भी कुछ हंसी यादें अपने संग ले जाते हैं। तो ये देखिए, तो सामने देख सकते हैं आप टापू, और कुछ इस तरीके से लोग बोटिंग कर रहे हैं आप, और धूप काफ़ी अच्छी आ रही है इस टाइम, तो ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी दिलचस्प नज़ारा, काफ़ी अच्छा नज़ारा। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं डैम के पास हूँ, और यहाँ से मैं इस तरीके से नज़ारा है ये, तो वेदर तो काफ़ी प्यारा है, और देख सकते हैं इधर, और यहाँ से देखिए कितना प्यारा देखने को मिल रहा है ये,
और यह है भीमताल, नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर। आज मैं आया हूँ किसी काम से भी और मैंने सोचा व्लॉग यहीं का बनाया जाए और आपको यहीं का दिखाया जाए। और ये जो है नैनीताल से बड़ी झील है आकार में, तो ये देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरीके से है झील, ये देख सकते हो आप लोग। तो देखिए वहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है, वहाँ सामने दिख रहा है पैराग्लाइडिंग, तो इन दोनों पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो सामने देख रहे होंगे आप पैराग्लाइडिंग करते थे, ये सामने हो रही है ये, तो इस तरीके से यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होते हुए। और अब हम चल रहे हैं इधर, थोड़ी सी मार्केट है, फास्ट फूड मिलता है यहाँ पे, ये देखिए ये सब हाथ से बनाए हुए हैं, ये और यहाँ पे टैक्सियाँ भी खड़ी हो जाती हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसा गाड़ी खड़ी हुई है ये सब, तो सारी टैक्सी खड़ी हुई है यहाँ और ये तल्लीताल डाट है ये। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको लेक, हाँ देखिए यहाँ भी जामा मस्जिद है, सामने दिख रही है मीनार। तो आ गया हमें लेक के पास यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से गाड़ी आपको भवाली के लिए मिल जाती है यहाँ से, तो यहाँ से 11 किलोमीटर भवाली भवाली जा सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं आप, अभी था मैं इधर की तरफ, अब आ गया हूँ इधर की तरफ, और धूप का भी प्यार, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, इसका टापू का किराया 300 रुपये लिखा है यहाँ। कुछ इस तरीके से है नज़ारा भीमताल लेक का, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए इस टाइम मैं भीमताल में हूँ और भीमताल में ये होटल देख सकते हैं कितना यूनिक बना हुआ है ये, और यहाँ पे ये सब है। और ये है नौकुचा ताल वाली रोड जहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है, तो यहीं से आप जाते हैं ऊपर को, और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से वेदर, और यहाँ पर टैक्सियाँ भवाली भीमताल सारी टैक्सी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से कुछ खाना चाहते हैं तो आगे ठेले लगे हुए खा सकते हैं, और हमारे एक भाई आए हुए हैं, ये चलते हैं, कहीं भी आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, इनकी टैक्सी है और इनसे बात करते हैं। तो हमारे बड़े भाई दीपक भाई, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया, बस बढ़िया हैं। तो आप आज टाइम भीमताल आए हैं? हाँ हाँ। तो आप जो टूरिस्टों को घुमाते हैं किस तरीके से घुमाते हैं? देखिए अगर हम नैनीताल से टूरिस्ट को लाते हैं जी, तो इधर भीमताल ले जाते हैं, इधर एक्वेरियम दिखाते हैं भीमताल जी जी जी, और इधर नकुचे ताल ले जाते हैं, वहाँ नौ लेकों का कोना है पूरा बना हुआ, वहाँ शिकारा बोटिंग होती है जी, और उसके बाद पैराग्लाइडिंग कराते हैं जी, शाम तक यहाँ से घुमा के नैनीताल लेके जाते हैं। नैनीताल, तो आपको अगर कोई टूरिस्ट संपर्क करना चाहे कैसे करेगा? आप मेरा नंबर इसमें मेंशन कर देना, आप एक बार नंबर बता दो, 9411792988। तो जैसे इन्होंने नंबर बताया, तो आप ये नंबर ये डिस्प्ले में भी चल रहा है इसमें भी देख सकते हैं, और बाकी डिस्क्रिप्शन में ये नंबर मिल जाएगा। गाड़ियाँ आपको डिजायर इनोवा जी, कोई भी गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी कम से कम रेट में, कम से कम रेट में कोई भी गाड़ी। और ऐसा ही नहीं कि भीमताल नैनीताल भी घुमाते हैं, भीमताल कैंचीधाम वगैरह रानीखेत अल्मोड़ा सब ये आपको ट्रैवल कराते हैं, घुमा अच्छे से घुमाते हैं जी जी, बढ़िया करके घुमाएंगे कम से कम रेट में सर। और अभी भी आए हैं तो ये कुछ गेस्टों को लेकर आए हैं भीमताल, तो अचानक से ही मिल गए, तो मैंने सोचा इनको ले लेते हैं, तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वैसे आपके मिनिमम चार्ज क्या रहते हैं? मिनिमम चार्ज देखो, नैनीताल से हम भीमताल घुमाते हुए लेके आते हैं शाम तक 2500 रुपीज़, ठीक है। पर डे का चार्ज 3500 रुपीज़ होता है जी, छोटी गाड़ी का जी, बड़ी गाड़ी का ज्यादा रहता है ज्यादा। तो वो तो आप आएंगे इनसे बात करेंगे तो कम ज्यादा कम हो जाएगा, अगर दो चार दिन का टूर रहेगा तो उसमें हम कम से कम रेट दे देते हैं, कम से कम रेट। तो देखिए जैसे इन्होंने जानकारी दी आपको पता चला होगा, और आप इन वादियों में घूम सकते हैं, जैसा भीमताल हो गया, नौकुचा ताल हो गया, सात ताल हो गया,
और रानी खेत, अल्मोड़ा और कैची धाम तो आजकल ज़्यादा ही चल रहा है हमारा, तो कैची धाम तो बहुत जाते ही हैं। तो चलिए, आपने जैसा जानकारी दी तो उम्मीद करेंगे कि आपको कस्टमर हमारे आए। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं यह है भीमताल और ये जाती है भवाली। तो यहाँ पे आप टूरिस्ट देख सकते हैं, कितने सारे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। एक गाड़ी ने रास्ता रोक दिया हमारा, टेम्पो ट्रैवल तो बहुत चलते हैं ये। हम हैं भीमताल, ये भीमताल की लेक है पूरी। ऐसे नैनीताल 22 किलोमीटर है, एक घंटे का रास्ता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं ये है मल्लीताल की बाजार। जैसे नैनीताल में मल्लीताल तल्लीताल है, तो ये भी मल्लीताल तल्लीताल है। यहाँ पे ये है मल्लीताल की बाजार और ये है भवाली रोड। तो भवाली होते हुए हम जा रहे हैं नैनीताल को, क्योंकि काम हमारा हो गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ भी कितना जाम लग रहा है गाड़ियों का। तो अक्सर यहाँ पे जाम लगता है क्योंकि टूरिस्ट इधर भी खूब आता है भीमताल में। और जो भीमताल में लेक है, टापू है, जैसा भी मैंने आपको दिखाया, तो काफ़ी लोग देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना जाम लगा हुआ है यहाँ पर। और एक कुमाऊनी कल्चर से लेके कुछ दृश्य नज़र आया अभी। तो हम लोग जा रहे हैं इस टाइम भवाली, और यह है भवाली मार्ग जो यहाँ से है 11 किलोमीटर भवाली। तो फाइनली आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया। आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल जी चैनल नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टाइम मैं हूँ भीमताल में, और भीमताल में आया हुआ हूँ किसी काम से, तो व्लॉग मैंने शूट करा, व्लॉग आपने देखा। तो नैन भीमताल आ सकते हैं और यहाँ पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, पैराग्लाइडिंग भी कर सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।